हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। आज है 17th नाइट। तो नाउ आई एम गोइंग टू कैच अप दैट मोमेंट व्हिच बेटे को मतलब हेयर कट देना है। और इसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए, हाँ, आई यूज टू गो फॉर द मार्केट प्लेस एंड टेक सम ग्रोसरी। सो चलिए आज के दिन रहिए मेरे साथ। और बाय द वे, दिस इज माई थिंग्स आउटफिट। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये वाला हम लोगों का आउटफिट है। सो लेट्स गो। सो गाइस, वी आर ऑलरेडी इन नाउ इन आवर हाउस। सो अभी बज रहा है घड़ी में 10:05। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर डिनर बिफोर 7 o'clock। सो अभी जो जो हम लाए हैं, बेटा गए हैं वॉशरूम में क्योंकि उसका हेयर कट हुआ है, तो वो नहाने के लिए गए हैं। और अभी हम जो जो लाए आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये है 7 up का बॉटल, ये है एक एनर्जी वाला ड्रिंक जो मुझे स्पेशली चाहिए, ये है पीनट का पैकेट, इसमें है पेट वाला अमूल वाला, ये बेटे के लिए है दूध, इसमें लाए दही 400 ग्राम्स का, जो कल मेरा, कल क्या, दो दिन हो जाएगा 400 ग्राम्स का दही, नहीं एक दिन पे मेरा हो जाएगा 400 ग्राम्स वाला दही। और इसमें 2 kg ऑफ मैंगो है, तो ये हम कट करके रख देंगे। और हम एग्स लाए हैं, वो है 15 एग्स लाए हैं। सो नाउ आई यूज टू गो वॉशरूम फॉर फ्रेशन अप। वैसे विदाउट मेकअप हाउ आई एम लुक्स लाइक, प्लीज टेल मी वंस। एंड फिर नेक्स्ट डे टुमारो आई विल कैच अप दिस ब्लॉग। सो तब तक के लिए गुड नाइट।
letter. गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई चैनल. तो आज है फ्राइडे 21st. तो आज के दिन हम ब्लॉग बनाने के लिए मतलब स्टार्ट किए, वैसे बहुत दिन बाद हम ये ब्लॉग बना रहे हैं. बेटे को स्कूल छोड़ के आ गए, अभी साथ में कुछ मार्केटिंग भी करके लेके आए हैं जो नेसेसरी है. और अभी कोलकाता में बारिश का मौसम स्टार्ट हो ही चुका है, तो इसके वजह से थोड़ा बहुत मुझे सिमटना पड़ेगा फिर से सीजनल जो भी है, और पूरा पसीना पसीना हो गए थे. तो आज के दिन आप रहिए मेरे साथ आज का ब्लॉग में. वैसे हम कुछ दिनों से मतलब व्हाट आई ईट इन अ डे वो हम उठाए हैं, उसका भी ब्लॉग हम मतलब रैंडम में डाल देंगे, तो वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा. और जो नया है मतलब जिसको पता नहीं है मेरा चैनल, और आई एम वैशाखी, माय चैनल नेम वैशाखी शेट, एंड आप मेरे चैनल पे लाइफस्टाइल है, जो फैशन है, और जो इधर उधर मतलब ट्रेवलिंग है, ये सब कुछ दिखने को मिलेगा. व्लॉग चैनल है और हम शॉर्ट्स भी डालते हैं, वो डांस वीडियो वाला, और कोई खाना प्रिपेयर करते हैं तो शॉर्ट्स में भी डाल देते हैं, तो आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा. तो चलिए रहिए आज के दिन मेरे साथ. ये देखिए सवेरे सवेरे बेटे के लिए एक पैनकेक बनाए थे, मतलब उसको टिफिन में दे दिए, और एक एक्स्ट्रा हो गया, वो आके खाना खा लेगा. और ये वाला हम बनाए थे, मेरा जो प्रोटीन शेक है वो वाला बनाए थे, तो ये हम थोड़ा सा खा के गए. अभी हम थोड़ा सा ये है तो वो लेने वाले हैं. सवेरे बहुत जल्दी आज उठ गए थे, करीब 5 बजे से पहले 4:30 पे उठ गए थे. तो बेटे का स्कूल रहता है तो मेरा टाइम शेड्यूल वैसा ही रहता है, 4:30 तक हम उठ जाते हैं, तो उसके बाद जो मॉर्निंग रिचुअल है वो हम कर लेते हैं. तो अभी बहुत ज़ोर से भूख लगा है, चलो ब्रेकफास्ट कर ले, फिर आप लोगों से चिटचैट बना रहेगा. कल हम बनाए थे मैंगो और बनाना वाला, ये वाला पल, तो सवेरे इसमें थोड़ा सा ओट्स और पानी डाले थे और प्रोटीन पाउडर डाले थे, तो वही एक साथ हम कर लिए. अभी इसमें थोड़ा सा ओट्स देंगे और खाना खा लेंगे. तो इधर अभी दूध लेके आ गए थे, क्योंकि दूध से मुझे छाना या फिर पनीर जो भी बनाना है वो बना लेते हैं, या फिर अगर दही बनाना है तो मतलब कर्ड बनाना है तो दही वो भी बना लेते हैं. तो मतलब क्या ही बोले, दूध आजकल इतना कॉस्टली हो गया. लास्ट मंथ मतलब ये वोट जो आगे पीछे होता है इसके वजह से क्या होता है, चीज़ों का दाम बढ़ते ही जाता है. जैसे कि दूध अभी एसेंशियल है, और अमूल दूध मतलब बाज़ार में हर कोई लेता है, कंट्री लाइट भी है, लेकिन अमूल के मुकाबले उतना ज़्यादा मतलब फैलाव है नहीं, तो अमूल दूध का जो भी रेट है बहुत ही बढ़ गया. तो जैसे कि हम दही लेते हैं 1 kg, दिस इज़ 1 kg ऑफ कर्ड, तो इसका जो प्राइस आता था पहले 72 रुपीज़ करके, नाउ ए डेज इसका प्राइस हो गया 75. तो रेड वाला जो मिल्क है उसका प्राइस पहले थोड़ा कम था, अभी 32 के ऊपर हो चुका है. तो कलकत्ता में रेट ऐसा ही मतलब ईयरली 3 times बढ़ जाता है. पेट्रोल के दाम भी ऐसे मतलब बढ़ जाता है, क्या होता है पता नहीं. खैर आम जनता के क्या सुविधा मतलब हो रहा है अगर पेट्रोल दूध ये सब चीज़ का मतलब दाम बढ़ जाए. और इधर देखिए आज हम एक्युमुलेट करने वाले थे, पूरा सॉर्टिंग करने वाले थे वेजिटेबल्स, जो ग्रीनी लीफ है, लीफी वेजिटेबल, हाउ टू स्टोर, वो आप लोगों के साथ आज हम शेयर कर रहे हैं. पहले ये हम लोग कोलकाता में बोलते हैं कूले खारा, तो कूले खारा मतलब इसका इंग्लिश क्या है हम गूगल देख के आप लोगों को ज़रूर मेंशन कर देंगे वीडियो में. तो कूले खारा मतलब बहुत ही इससे ब्लड होता है, मम्मी लोग बोलते थे कि ब्लड बनता है बॉडी में,
तो वही हम लेके आ गए लीफी ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स और वेजीज। और ये देखिए कपड़े के ऊपर सुखाने के लिए रख दिए। एक तो बारिश का मौसम है और ये है नीम का पत्ते, क्योंकि बारिश के सीज़न में रेनी सीज़न में नीम पत्ता जो भी है एंटीबायोटिक है, नीम का जो भी है जो स्टेम है वो भी एंटीबायोटिक है, जो पत्ता है वो भी एंटीबायोटिक है, बहुत ही काम में आने वाले हैं। तो नीम का पत्ता लेके आ गए थे और ये वाला, और ये बोला जाता है कोलमी शाक बोला जाता है कोलकाता में, तो ये भी लेके आ गए थे। सब कुछ का प्राइस मतलब नॉर्मल जो प्राइस होता है 10 रुपीज़ करके। और नीम पत्ता का बस इसका था आपका नीम लीव्स जो है इसका था 15 रुपीज़ करके, और जो हम खुले खरा बोले वो भी 15 रुपीज़ का था, लेकिन अभी जो हम सजा रहे हैं ये सब 10 रुपीज़ करके था। तो इससे आप लोग क्या चपाती भी बना सकते हो, और राइस के साथ लेना चाहते हो तो दाल राइस ये भी ले सकते हो। तो डिफरेंट वे में आप बना सकते हो। मेरा जो मोटो था कि प्रोटीन के साथ साथ अच्छा खासा मतलब ग्रीनी लीफी वेजिटेबल बॉडी में जाए, ताकि फाइबर भी मिल जाए और विटामिन मिनरल भी मिलते रहे। और मेरे फ्रिज का हाल देखिए, ये बीट रूट रखे थे, बहुत दिन हो गया था, पीछे रखे थे मतलब बैक में चला गया था तो मुझे दिखाई नहीं दिया, और इसका पानी निकल के क्या ही हो गया, मेरे फ्रिज का हाल ऐसे ही हो गया। तो वही हम दिखा रहे हैं और जल्दी से साफ भी कर रहे थे। और ये लेके आ गए थे हम चिली को भी ऐसे, ये टब में हम थोड़ा सा पिंक सॉल्ट ऐड किए, उसके साथ टर्मरिक ऐड किए, देन ये चिली और ये लेमन ये सभी इसमें मतलब थोड़ा सा डाल के हम इसको पूरा क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि रेनी सीजन में वी नीड टू मेक लाइक दिस। और इंडियन का ये तो जुगाड़ रहता ही है। इधर देखिए हम ऐसे स्टूल के ऊपर ऐसे ये कार्डबोर्ड रख के फिर उसके ऊपर ट्रे दे के ये दोनों का लेवल बना लिए और इसमें आपका सुखाने के लिए डाल दिए। अभी हम चीला बना रहे थे मॉर्निंग का, मतलब आजकल हम एग लेके आ गए और घर में बहुत दिनों से 3 kg के ऊपर आटा रह ही गया, तो हम सोचे कि बारिश के मौसम अभी चल रहा है, गर्मी इतना ज़्यादा तो है नहीं, तो इसके वजह से थोड़ा सा चीला विला करके खा ले। जो भी मतलब स्टॉक में जो आटा है उसको मुझे फिनिश करना है, तो इसके वजह से ऐसे रोटी बना के देंगे बेटे को, रोटी सब्जी एक ही दफ़ा वो खाएगा, बार बार वो नहीं लेगा। लेकिन इस तरीके से अगर हम चीला बना के देते हैं या फिर पैनकेक बना के देते हैं तो वो दिन में 2-3 बार इससे मतलब खाना खा ही लेते हैं। तो जल्दी से ही हम बना रहे थे, बस ऐसे ही मेरा मतलब रेनी सीजन का व्हाट आई ईट इन अ डे भी जाता है। तो अभी वेजिटेबल सब सूख रहा है, उसको हम स्टोर भी करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। देखिए बहुत ही कम तेल में मतलब बहुत ही कम ऑयल में ये हम कर पाते हैं, क्योंकि आप ऑयल कम दो और जो फ्लेम है उसको सिम रख के करो तो बहुत ही अच्छा सा बन जाता है। और ये जो स्पैचुला है ये सिलिकॉन वाला स्पैचुला है, ये बहुत ही काम का है। अगर इसका लिंक मुझे मिला ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। हम बहुत टाइम से मतलब रसोई में ऐसे किचन में बहुत से यूटेंसिल यूज़ किए, लेकिन ये वाला स्पैचुला दी बेस्ट मुझे लगा, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है और बिल्कुल जल्दी से साफ़ हो जाता है, कुछ भी इसमें चिकनाहट कुछ भी नहीं रहता है, कोई भी डर्ट नहीं रहता है। तो फॉर दैट रीज़न आई यूज़ टू टेक दिस स्पैचुला विथ सिलिकॉन, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। तो ये वाला स्पैचुला से हम बना रहे थे। वैसे आप लोगों का क्या होता है, आजकल चाय पीने का मन तो करता है लेकिन हम पी नहीं पाते, क्योंकि हम कॉफ़ी ले लेते हैं, तो थोड़ा बहुत चाय पीने का मन तो कर ही जाता है, दूसरों का जो वीडियो आता है वो सब देखिए, लेकिन मेरे बॉडी के लिए चाय सूट नहीं करता। और देखिए हम पैन में कितना कम मतलब ऑयल इंटेक किए, तो इसको हम स्प्रेड कर रहे हैं उसी स्पैचुला से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी मुझे मिला। ये हम जियो मार्ट से लिए थे, आप लोगों के साथ अगर मुझे लिंक मिलेगा तो ज़रूर हम शेयर कर देंगे। वैसे बारिश के मौसम में आप लोग जो मतलब तले हुए सब्ज़ी हम ज़्यादा नहीं खा पाते,
और बिल्कुल ही ज़्यादा क्या बिल्कुल ही नहीं, तला हुआ सब्ज़ी मेरे से नहीं डाइजेस्ट हो पाता है। तो अभी हम काट लेते हैं, पूरा मेरा जो डाइट है पूरा चेंज हो चुका है। राइस तो हम मतलब नाम के वास्ते ही लेते हैं, तो बोला जाता है राइस या रोटी आप जो भी लो उसमें सेम ही कार्ब्स आएगा, लेकिन फिर भी हम राइस ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है राइस से बहुत ही ड्राउजीनेस नींद आता है बहुत ही ज़्यादा, तो इसके वजह से हम ये, और जल्दी से हम फटाफट इधर मतलब ये चीला बना रहे थे ताकि बेटे को स्कूल से आते ही उसको मिल जाए। और इधर देखिए हम लॉन्ग बीन्स, जो बंगाली में बोरबोटी भी बोला जाता है, वो लाए थे, उसको कट कर रहे हैं। पहले इसको धो के सुखा लिए थे, वही मतलब टब में जो टर्मरिक वाला पानी था उसमें हम इसको पूरा क्लीन कर लिए थे, और सुखाने के बाद हम ऐसे करके कट के, और जो बंच है वो हम ओपन नहीं कर रहे हैं ताकि मुझे और भी आसानी से इसको कट करने हो जाए। तो इसके साथ साथ हम थोड़ा सा ऑनियन देके इसका सब्ज़ी बना लेंगे, और चीला के साथ बहुत ही टेस्टी रहेगा वो, मम्मा बेटा मिलके आज का लंच हो जाएगा। तो यही रहा मेरा डे रूटीन। और इधर देखिए हम सॉर्टिंग कर रहे थे, इधर वेजीज जो भी था वो सूख के पूरा रेडी हो चुका था। नाउ आई एम एडिंग, दिस इज़ सो नाइस ट्रे आई हैव कलेक्ट फ्रॉम अमेजन, इफ़ आई गॉट द लिंक डेफिनेटली आई कैन शेयर विथ यू पीपल। नाउ आई एम एडिंग दिस पेपर नैपकिन से, ये हम क्यूकम्बर रख रहे हैं पेपर नैपकिन से, अगर आप क्यूकम्बर को ऐसे मतलब पूरा कवर करके रख दो तो बहुत दिनों तक फ्रिज में रह जाता है, इस ये सूखता भी नहीं है, इससे पानी भी नहीं निकलता है। तो वैसे ही हम रख रहे थे क्यूकम्बर को ऐसे, और अभी टमाटर भी, जो टोमेटो है वो भी रख देंगे। इधर देखिए मेरा धनिया पत्ता भी हम लेके रखे थे, तो ये सब बहुत ही ताज़ा रहा बहुत दिन, मतलब ये हम स्टोर करके रख पाए। एंड दिस इज़ द चिलीज़, चिलीज़ का पीछे का पूरा जो स्टेम था वो हटा के ऐसे स्टील के डब्बे पे रख दिए। और दिस इज़ द मच्छर, जो मॉस्क्वीटो है कलकत्ता का मॉस्क्वीटो, रेनी सीजन में देखिए मेरा बेटा एकदम क्लोज इसका लिए जूम करके। दैट्स इट फॉर टुडेज, इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड दिस इज़ द न्यू एडिशन एट माई होम। तो ये है गन शूटर वाला गैस लाइटर, पहले दफ़ा ये जला नहीं, हम बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, बेटा भी पीछे से प्रॉम्प्ट कर रहा था ऐसे करो वैसे करो, तो अल्टीमेट ये जल गया, तो हम ये बत्ती भी जला पाए। सो गाइस दैट्स इट, थैंक यू फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट, हैप्पी रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए और हमेशा हंसाते रहिए। सो लव यू ऑल, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।